सरकार जनता के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन ऐसा कम ही देखने में आता है जब कोई योजनाएं जनता के दिल को भा जाती हैं, क्योंकि उसका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ उसे मिलता है। आइए आपको बताते हैं केंद्र सरकार की ऐसी योजना के बारे में जिसने सरकार गठन के बाद ही एक नया इतिहास रच दिया। और हाँ, क्या आपने उठाया है इसका लाभ? केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2014 को योजना की घोषणा की और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का नाम जन धन योजना रखा गया। इसके अंतर्गत भारत में पहली बार गरीब और मुख्यधारा के कटे करोड़ों लोगों के बैंक में खाते खोले गए। योजना की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी बैंकों को ईमेल भेजकर हर परिवार के लिए बैंक खाते को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने का लक्ष्य तय किया। आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपये का बीमा मिल सकता है। भारतीय राजनीति का ये चौंकाने वाला पहलू था कि जनता में पहले से ही लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी की इस योजना को हाथों हाथ लिया गया और पहले ही दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए। इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज 1 साल में 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रुपीस कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 28,699.65 करोड़ रुपए जमा किए गए। रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर 2014 में 76.8% से घटकर दिसंबर 2015 में 32.4% रह गई। ओवरड्राफ्ट के रूप में अभी तक 131 करोड़ रुपए से अधिक का उपयोग किया गया। इस योजना ने लाखों भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए बैंक खाते दिए गए। साथ ही इस पहल ने भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। योजना के दूसरे फायदे भी हुए। आम लोगों के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही सरकार ने नागरिकों को बीमा और पेंशन कवर देने के लिए ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की।